बिहार में एक और जहां चमकी बुखार से 100 से लोगों की मौत हो चुकी है। आसमान से आफत गिर रही, सूरज देवता सितम ढा रहे हैं, लू के थपेड़ों से लोगों की जिंदगी जा रही है। राज्य में शनिवार को ही 40 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। गया में चढ़ते पारे का 7 लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। यहां पर शनिवार को तापमान 45 के पार पहुंचा और दोपहर होते होते गर्म हवा ने लोगों की जान लेना भी शुरू कर दिया। शाम होते होते लू से मरने वालों की संख्या अकेले गया में 12 तक जा पहुंची। 40 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। गया के अलावा औरंगाबाद में गर्मी ने 25 लोगों की मौत की नींद सुला दी। यहां लगातार अलग अलग इलाकों से लू लगने की खबरें आ रही हैं। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने इसकी पुष्टि की है। सिविल सर्जन के मुताबिक लू लगने के कारण शनिवार को 25 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार गया में शनिवार को 45.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं औरंगाबाद में शनिवार को दोपहर के बाद अधिकतम पारा 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी से रविवार को भी राहत मिलने की आशंका नहीं है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कई लोगों को हीट स्ट्रोक हुआ है, जो कि एक तरह की प्राकृतिक आपदा है, और उसके कारण अभी तक जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया है उसमें मगध मेडिकल में करीब 12 लोगों की या तो इलाज के दौरान या फिर ब्रॉड डे मृत्यु हुई है, जिसमें कि 7 लोग गया के हैं, 2 औरंगाबाद के, 1 चतरा के, 1 शेखपुरा के और 1 नवादा के, और इसके अलावा करीब 25 के आसपास पेशेंट्स और भी यहाँ पर एडमिटेड है। एडमिटेड प्राथमिकता है कि इन पेशेंट्स का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल